नमस्ते दोस्तों, मैं बिमलेश असटपुरिया चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बूंदी बनाएंगे, ठीक है। तो देखें कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए बूंदी। तो दोस्तों ये बॉल है हमारा, तो इसमें हम बेसन और ये हमने बेसन लिया, ठीक है। तो ये बेसन की पैकेट है, तो इसमें से हम एक कटोरी बेसन लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम अभी रखे दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बैटर बन गया, ठीक है। बहुत आसान है ये। तो दोस्त को हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से इसकी चाशनी बनाएंगे। तो एक कटोरी हमने चीनी ली हुई, तो एक कटोरी हमने दोस्तों ये चीनी डाल दी इसमें, ठीक है। तो एक कटोरी हमने चीनी डाल दी, तो अब हम आधी कटोरी पानी डालेंगे, ठीक है। आधी कटोरी हमने पानी डाल दिया, चाशनी बनाएंगे, ठीक है। तो चाशनी हमारी बन रही है तब तक। दोस्तों चाशनी हमारी बन गई, ठीक है। तो चाशनी हमें थोड़ी इस तरह से चिपचिपी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनती है, जैसे एक तार दो तार चाशनी नहीं बनती है, तो ये थोड़ी चिपचिपी चाहिए हमें, बस इस तरह से बस चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई। एक चुटकी हम इसमें से बेकिंग पाउडर डालेंगे, बस इतना, ठीक है। नेक और दादी दे रहे हैं, बस इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बैटर हमारा बनके तैयार हो गया, और इतना ही हमें स्मूथ बैटर बना है हमारा, एकदम बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह का हमें चाहिए, और इस तरह से हम, तो अभी हम इसको नहीं अभी डालेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिक जाए, उसके बाद हम इसको पलटेंगे इधर उधर, थोड़ा सा घुमाएंगे। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है दोस्तों, बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जलेबी की तरह बन जाती हैं, और जैसे पूजा पाठ करते हैं तो मंदिर के सामने जो बिकती है तो ये चढ़ा देते हैं। इस तरह से हम इसको सिकने देंगे। तो दोस्तों बूंदी हमारी सिक के तैयार हो गई, यानी अच्छे से सिक गई है, ठीक है। तो इसको हम अब निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारी बूंदी अपनी सेक, इसी तरह से दोस्तों हम सारी बूंदी अपनी सेक लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी चाशनी, तो इस चाशनी में हम ये डाल देते हैं, ठीक है। तो बूंदी को हम इस तरह से इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इसको हम 3-4 घंटे तक ऐसे ही भीगने देंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से हम 3-4 घंटे तक इसको हम भिगो देंगे, और हम उसके बाद खाएंगे इसको, ठीक है। बहुत अच्छी बनती है दोस्तों, कलर नहीं डाला मैंने, ठीक है। और दोस्तों क्योंकि कलर मेरे पास था नहीं, ठीक है, तो मैंने सादा सिंपल ज़रूरी समझा मैंने, ठीक है। दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और असटपुरिया चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप एक बार बना के ज़रूर खा के देखना, बहुत अच्छी लगती है ये, ठीक है।
इसको हम ढक के रख देते हैं।